नमस्कार, प्रणाम। तनी हम हैराना और स्वागत करतनी रउआ सबके आदर्श ग्राम नरहन में। ये आदर्श ग्राम नरहन के सिवाना हो, इमें से ऑफिशियली नरहन ग्राम के शुरुआत होला। ये हम सिवाना पर खड़ा बनी, ये गढ़ा जन देख तनी है मूझ बा। ऐसे ऑफिशियली नरहन ग्राम के सिवाना के शुरुआत होला, ओकर बाद नरहन में प्रवेश कर जाला। अभी पीछे हमरा रुआ देखत तनी यहाँ ब्रह्म बाबा के स्थान बटे, जौन की नरहन के द्वारपाल के मानल जाला। यहाँ ब्रह्म बाबा के स्थान, यहाँ के नरहन के द्वारपाल हैं। कोनो भी प्रकार के अगर बला, कोनो भी प्रकार के दुख तकलीफ जब गांव में इंटर करेला, तो सबसे पहले यहाँ से मुखातिब होला और यहाँ के ओकरा के रोके नहीं। एकरा बाद हमनी के गाँव में चलल जी, गाँव के सब ऐतिहासिक चीजन के देखायब, अवगत करायब, बना रही हमनी के साथे। नमस्कार, हम है राणा और वह देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज हम लेके हाजिर बानी नरहन के बारे में जानकारी, नरहन के कहानी। नरहन जना के लोग आज आदर्श ग्राम नरहन के नाम से जानेला। इनाथ बाबा के मंदिर है जना में अंदर लेके चलतनी। जब रउआ नरहन गाँव में प्रवेश करेम तो ई मंदिर रउआ सबसे पहले देखे के मिली। ई मुख्य द्वार है, हालांकि जब जरूरत पड़ला तक खोल दियाला। अभी ओकर छोटा द्वार खुलल बा, चूंकि ज़्यादा भीड़ नहीं खे। अबे मैं अंदर घुसा तनी, अंदर घुसेम तो पूरा कैंपस रुआ दिखाई दी। ई है जौन बगल में बनल बा, ई बैठाका टाइप के बनल बा, ताकि पूजा अष्टजाम कुछ होके, यज्ञ हो खेते में बैठाका होके, क्योंकि सूते बैठे के कामे आ सके। ई चारों बगल बा है यज्ञशाला, एक बारे में बताएं। हई देखी, ई बैठाका बनल बा, चारों तरफ से बरामदा बा। ई जौन हई जौन बरामदा अभी रुआ देख तनी, ई मंदिर के ही पुजारी गोरखनाथ मिश्र के परिवार के द्वारा बनावल गई बा। वहाँ के पत्नी के याद में, वहाँ के पत्नी के नाम से बनल बा। तो ये पूरा कैंपस है। ये देखी मंदिर में, अब अंदर चलतनी। कैंपस काफ़ी बड़ा बटे, यानी पेड़ पौधा ढेर सारा लागल बटे। यहाँ पूजा पाठ करे खातिर भी हमेशा गांव के लोग आवत रहेला, और गांव के बहुत सारा लोग बा जे पूजा करेला। ई अखिलेश गिरी हुवन, जौन की हमेशा के पूजा करे वाला हुवन। ई नाथ जी के मठिया में हर रोज पूजा करे लें। नाथ जी महाराज के मंदिर हटे, नाथ जी महाराज जौन की नरहन में विराजमान बानी और नरहन के लोग यहाँ के पूजेला, यहाँ के मानेला। नरहन में जब भी कोनो शुभ कार्य होला, चाहे वो खेत के फसल निकलल होके, कोनो फल सब्जी निकलल होके, या कोनो भी शुभ कार्य होके, तो मैं नाथ जी के पहले याद कर जाला। नाथ जी पूरा नरहन खातिर सर्वोपरि बानी। आई हम नाथ जी के दर्शन करावत हैं रुआ के। नाथ जी के बारे में बता दी कि नाथ जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रसड़ा के रहे वाला हैं। रसड़ा गांव में यहाँ के जन्म रहनी और यहाँ के ब्रह्मचर्य के पालन कर रहनी, यहाँ के ऋषि रहनी, एगो महंत रहनी, संत रहनी। नाथ जी के पूजा होला, नाथ जी के समाधि हो। कहल ई भी जाला कि नाथ जी के जौन समाधि बा, नरहन में जिंदा समाधि यहाँ के लेल रहनी, यहाँ के उत्तर प्रदेश से आवत रहनी और बाघ से चली, जौन की लोक कथा प्रचलित बा ओकरा अनुसार बाघ से चली, बाघ से यहाँ के गुजरत रहनी है। जैसे बगल में कृपा बाबा के स्थान बा, जौन मंदिर के प्रांगण बा, तो कृपा बाबा के रहे। कृपा बाबा दीवार पर बैठ के दतवन से मुंह धोत रहनी। लोग ये कहला कि कृपा बाबा के जौन धोती बा तो आसमान में सुखत रहे। अब सच्चाई कितना भाई हमने नहीं जानत, लेकिन लोक कथा जौन हम सुनले बानी अपना बूढ़ पुरनिया से, अपना बुजुर्ग लोग से, उरवा के बतावत तनी। ओकरा बाद नाथ जी आवत रहनी, नाथ जी यहाँ भेटैनी। नाथ जी के कृपा बाबा कहनी कि अरे रुकी, हवा जलपान करी, ओकरा बाद जाएं। रुआ संत महात्मा बानी या हमू संत बानी, तो नाथ जी कहनी कि हम जहाँ बैठे नहीं वहाँ से उठे नहीं ना। तो कहनी कोनो बात नहीं खे, तो हम बैठे नहीं तो हमारा बड़ा खुली खेवा खर्चा लगेला, बड़ा जगह के जरूरत पड़ेला। ए तरह के बात भेल में कहनी कोनो दिक्कत नहीं खेल, जौन कहम तौन रुआ मिली, रुआ बैठी। तो वहाँ के यहाँ बैठनी, यहाँ के समाधि लेनी। ए मंदिर के अधीन बहुत सारा जमीन भी बा, जौन की दियर में बा, उपरमार में भी कुछ जमीन बा, और तब से नाथ जी के यहाँ समाधि बटे। हालांकि ओकरा बाद लोग कहला कि समाधि बनला के बाद, यहाँ जिंदा समाधि लेला के बाद, नाथ जी फिर से उत्पन्न हो गई रहनी। बाहर जाके उन्हें लोग देखले रहे कि और कई जगह पर वहाँ के निकले रहनी। रुआ सिवान जिला के बहुत ऐसा गांव बड़ी सर, जहाँ रुआ नाथ जी के खड़ाऊ मिली, जहाँ पर खड़ाऊ के पूजा होला, नाथ जी के लोग मानेला। और यहाँ के मंदिर बहुत सारा बा, नाथ संप्रदाय के लोग मानेला, नाथ जी के हमनी के माने जा। तो नाथ जी के समाधि है, कर दर्शन करी।
प्रत्येक दिन गांव के लोग यहाँ पूजा करे आवेला, दर्शन करे आवेला, चाहे यात्रा पर निकले, चाहे कोनो भी शुभ कार्य करे के शुरुआत करे, तो नाथ जी के जरूर याद कल जाला, नाथ जी के जरूर पूजा कल जाला। यहाँ प्रसाद के रूप में अगर बात कल जाओ तो मूल रूप से नाथ जी के चद्दर चढ़ेला आ लड्डू के भोग लगावल जाला। नाथ जी के चढ़ावा है जौन की हर साल यहाँ पर लोग चढ़ावेला, हर रोज चढ़ावेला, केहू ना केहू चदर चढ़ावते रहेला। रोज सवेरे मंदिर के धुलाई होला और पूजा पाठ होला नाथ जी के समाधि। नाथ जी के दर्शन करनी है रुआ के, और एकरा बाद हम लेके रुआ सब के आगे चल रहल बानी। ई बागवानी है, ई फुलवारी लागल बा जो नाथ जी के मंदिर प्रांगण में बा, और आम के सीजन में आम, अमरूद, कटहल, सिरफल, ई सारा फल रुआ यहाँ देखे के मिली। ई हर सिंगार के पौधा है, ई हर सिंगार के फूल है जौन की बहुत समय पहले से बा, हमनी के जब लैका रहनी जा तब से ही बा, लैकाई में जा हमनी के आके फूल लोढ़ी जा। हालांकि ऊ पेड़ ना है, दोसर पेड़ है, लेकिन जगह ये है जहाँ पर पेड़ बा। एक बाद हम आगे बढ़त नहीं, और जौन हम कहानी में बतैनी है, कथा बतैनी है लोग प्रचलित कृपा बाबा के, तो कृपानाथ बाबा के मंदिर है, में हम रउआ सबके दर्शन कराव तनी। यहाँ के भी समाधि बा, यहाँ जौन की समाधि बनल बा, यहाँ के भी मंदिर बा, और कृपा बाबा के समाधि है। यहाँ के गोसाई परिवार से रहनी, नरहन ग्राम में जौन गोसाई गिरिजी लो बानी लो, यहाँ के अपन पूर्वज माने लो। यहाँ से आगे बढ़ते नहीं तो हम रुआ के दिखावे के चाहे, यहाँ अभी हाल फिलहाल में पिछला साल संपन्न भइल, यहाँ पर यज्ञशाला देखी, कितना भव्य और विशाल यज्ञशाला के निर्माण भइल बा। नरहन के लोग यहाँ और पूरा जवार के लोग चंदा दे के ए यज्ञशाला के निर्माण करवैले बा, और पिछला साल एकर निर्माण कार्य संपन्न भइल। ओकरा संपन्न भइला पर यहाँ एगो मंदिर में मूर्ति के प्राण स्थापना भइल, प्राण प्रतिष्ठा भइल, और ओकरा बाद यहाँ पर एगो विशाल यज्ञ के आयोजन भइ रहे। आगे बढ़त नहीं तो देखी हमरा सामने एगो छोटा सा कुआं बा, एक कुआं के रुआ के ढकल बा ना, तो हम देखती कुआं जौन बावे मात्र 3 फीट एकर परिधि बाटे, चौड़ाई बाटे, और 3 फीट के इतना ना गहिर बा, आज भी एमे पानी आवेला, आज भी रुआ चाहें तो एकर पानी निकाल के पी सकतनी। हालांकि आज तो लोग तरह तरह के हर घर में मिनरल वाटर के इस्तेमाल कई जाता, तो लोग अब एकर पानी नहीं खे पियत, लेकिन आज भी इमें पानी बाटे और पानी काफ़ी शुद्ध बाटे, और एकरा से लोग स्नान करेला। हालांकि अब ढक दहल गई बा, लेकिन जे भी देखले बा और जे भी देखेला वो अचंभव करेला कि इतना पातर, मात्र 3 फीट के इनार है, इतना गहिर कैसे बा। एक बाद हम बढ़त नहीं आगे, हमारा पहुँचल बानी हम जौना मंदिर में, ई है सोमारनाथ जी के मंदिर, और यहाँ यहाँ के नाथ जी के साथे यहाँ के रही, नाथ जी के शिष्य रहनी और यहाँ के नाथ जी के साथे चली। यहाँ के समाधि नहीं खे बल्कि यहाँ के लिंग बाटे, सोमारनाथ जी के लिंग बाटे, रुआ के दिखावे की चाहत नहीं हम। सोमारनाथ जी के यहाँ लिंग स्थापित बाटे, यहाँ लोग पूजा करे आवेला, यहाँ के शंकर जी के रूप मानल जाला सोमारनाथ जी के, और यहाँ के लिंग पर लोग जल चढ़ावेला। यहाँ हर सुख सोमार के सिराद के महाशिवरात्रि के लोग यहाँ पर जल चढ़ावे खाती इकट्ठा होला। एक बाद जब हम मंदिर से बाहर निकलता नहीं तो रुआ के हम दिखावे के चाहे, यहाँ सोमारनाथ जी के बगल में धनी बाबा आ फलहारी बाबा के दुगो यहाँ पर स्थान बाटे। धनी बाबा और फलहारी बाबा हैं, यहाँ के पूजा अर्चना यहाँ कई जला। यहाँ लोग यहाँ पर मंदिर में पहले महंत रहल बानी लो, यहाँ लोग के समाधि यही जा रहल बा। एकरा बाद जब एजा से आगे बढ़ल जला तो मंदिर में रुआ प्रवेश करतनी, हम दिखाओ तनी। यहाँ हई धुई रमावे खातिर एगो कमरा है, चूंकि
वह जान तनी कि कोनो भी मठ मंदिर में धुई रमावे खातिर कमरा रहला, एहू में लोग पूजा अर्चना करेला। यहाँ भभूति मिलेला, हालांकि अभी भभूति हम देखो तनी हने साइड में रखल बा। यहाँ जब जौन भी नाथ जी के पूजा कैला के बाद जौन भभूत रहेला तो नजर रखल जाला, आ जब भी केहू पूजा करे आवेला प्रसाद ग्रहण करेला तो भभूत यहाँ के प्रसाद के रूप में ग्रहण करेला। एक चीज यो बटे कि जब भी नरहन के लोग या आसपास के लोग बाहर जाला, विदेश में कमाए जाला, चाहे इंडिया में कहीं भी कमाए जाला, तो अपना साथ में भभूत लेके जाला, प्रसाद के रूप में भभूत लेके जाला और भभूत के अपना साथे रखेला। एकरा बाद अब यहाँ से हम आगे बढ़तनी तो एगो और नया मंदिर के निर्माण भइल बा, जन की निर्माण काफी दिन से भइल रहे, प्राण प्रतिष्ठा रुकल रहे। पिछला साल ए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भइल, ई बजरंग बली के, ई हनुमान जी के मंदिर हटे, ई हनुमान जी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल भइल रहे और यही प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञ भइल रहे और साथ में शंकर जी के लिंग के भी स्थापना भइल बा, जना पर काफी विशाल यज्ञ भइ रहे, काफी बढ़न यज्ञ भइ रहे। ते पूरा नाथ जी के मंदिर ह, नाथ जी के प्रांगण ह, जनवा के हम देखैनी ह। एकरा बाद लेके चलम आगे और भी चीज देखाएं, फिलहाल बने रही हमरा साथे। एक बेन फिर से स्वागत बरुआ सबके, रुआ सब देख रहल बानी मैच बॉक्स और अभी हम नरहन के बारे में बता रहल बानी। अगला जौन हमनी के पड़ाव बटे ई बा भगवती जी के मंदिर पर, ई भगवती जी के मंदिर ह जौन रुआ देख रहल बानी। ई विशालकाय मंदिर रुआ जौन दिखता, एकर ऊंचाई लगभग 120 फीट बा और ई कब बनल बा एकर कोनो लिखित दस्तावेज नहीं के। लोग कहेला कि 500 साल से ऊपर के बनल मंदिर ह। रुआ देख रहल बानी ई पत्थर आ खोआ मिट्टी जौन रहे पहले चलत रहे ओसे बनल बा, एमे सीमेंट के इस्तेमाल नहीं के भइल। हाँ बाद में तनी मनी फूटल टूटल बा तो ओकरा के मेकअप करे खातिर सीमेंट के इस्तेमाल भइल बा और ई मंदिर यहाँ पर स्थापित बा नरहन के ई पश्चिमी छोर ह। ई पश्चिमी छोर पर ई मंदिर स्थापित बाटे और ई जौन मंदिर बनल बाटे ई कहल जाला ई दंत कथा है, एकर कोनो लिखित दस्तावेज नहीं है। दंत कथा है, कहल जाला कि राजा नरवरगढ़ ई रहे ए नरहन के नाम पहले, ओकर अपभ्रंश होके नरहन हो गई। मंदिर के बीचों बीच एगो कुआं बा, एक कुआं के ऊपर ही मंदिर के निर्माण भइल बा। आज भी जब भगवती जी के, जब माता जी के भोग लागेला तो वो कुआं के पानी निकाल के ही भोग लगावल जाला और उमे तुलसी पत्ता डाल के वो प्रसाद के रूप में लोग के देहल जाला। अभी ताला बंद बाटे, ऐसे हम रुआ के अंदर दर्शन नहीं करा सकत, लेकिन हम दर्शन जरूर करावे के कोशिश करें। मंदिर के पूजा दोनों बेरा होला और ए मंदिर में अंदर जौन माता के मूर्ति बनावल गेल बा, जौन स्थान बनावल गेल बा, ओमे वहां के सोना के आंख लागल बा, सोना के गहना बाटे। ए चलते एकर ताला बंद रखल जाला ताकि केहू कबो ना घुस जाओ सुरक्षा के दृष्टिकोण से। फिर भी हुआ के बतावे के चाहता नहीं कि 3 बार ताला तोड़ के चोरी भइल बा ए मंदिर में। हालांकि पहला बार जब चोरी भइल रहे तो जो चोरी करे वाला लोग रहे वो लोग गिरल रहे, लोग बना उना के केनियो। बाद में चोरी भइल तो ओकर कोनो जानकारी ना भइल, पुलिस प्रशासन ओकर जानकारी लेवे के कोशिश करता। रउआ के बता दी कि राजा नल जौन रहले तौन एजा आखेट करे आवस, ई पूरा जंगल रहे चारों तरफ, पीछे नदी बाटे, नदी रहे तो यहाँ आखेट करे आवस और यही जा ए जगह पर ई मंदिर रहे। काफी हाइट पर बा, हाइट के अंदाजा ऐसे लगा सकते नहीं रउआ कि दरौली से, दरौली के जौन घाट बाटे, जौन सरयू जी के घाट बाटे, वो घाट पर से रउआ जब देखेम तो मंदिर के गुंबज रउआ दिखाई दी। ऐसे अंदाजा लगा ली, यहाँ से दरौली बाई एयर भी 20 किलोमीटर से कम नहीं खे और उतना दूर से दिख जाला मंदिर। रउआ के दिखावे की चाहता नहीं है, मंदिर के हाइट हो और एकरा नीचे है जौन बांस लौकता, ए बांस के बाद ई नदी है, पूरा सरयू नदी है। ई मंदिर के बाउंड्री है जहाँ पर हम बैठल बानी, रउआ के बता दी कि भगवती जी में आ सरयू जी में एक बार झगड़ा हो गया रहे। दंत कथा है, एकर लिखित दस्तावेज नहीं के, कोनो प्रमाण नहीं के। लोग कहेला जौन हमनी के अपना पूर्वज से सुनता होता नहीं जा कि दोनों आदमी में खाली झगड़ा भइल तो सरयू जी कहनी कि ए भगवती तारा पूरा नरहन गांव के डुबा दे में के हाली में, तो भगवती जी कहनी कि तू जिंदगी भर कोशिश कर लेबू, है ना अगवा एगो गढ़ा बा, वो गढ़ावा के आगे तारपनिया बढ़िए ना पाई और इतिहास गवाह बा। यहाँ जौन रुआ देखतनी पीछे जौन मन दिखता, झाड़ दिखता, ओकरा नीचे गड्ढा बा, वो गड्ढा के ऊपर आज तक पानी ना चढ़ल, इतिहास गवाह बा। नरहन के बूढ़ बुजुर्ग हमनियों के बचपन से देखता होता जा कि आज लोग ऊपर पानी
ना आइल। और इतना ना हाइट बा जन पश्चिमी छोर बाटे, इतना ना ऊंचाई पर बनल बाटे कि ये सरयू जी पर नरहन में बांध बनावे की जरूरत नहीं है। एगो सबसे बड़ा ऐतिहासिक बा, गौरव करे वाला बात का बा कि सरयू जी जहाँ भी बाड़ी वहाँ बांध बा। रुआ दरौली चल जाई, रुआ सिसवन चल जाई, रुआ माझी चल जाई, हर जगह बांध बा। यहाँ खुद नरहन से पहले सलेमपुर गाँव बाटे, एकरा बगल में सलेमपुर तक बांध बा, नरहन में बांध नहीं है। फिर हरपुर बाटे पूरब साइड में गाँव, वो हरपुर से बांध बा लेकिन नरहन में बांध नहीं है। तो चूंकि भगवती जी नरहन के रक्षा करे खातिर पश्चिमी छोर पर खड़ा बानी, और भगवती जी के जौन मंदिर बाटे इतना ना हाइट, इतना ना ऊंचाई पर बाटे कि नरहन के आज तक सरयू नदी के पानी से कोनो क्षति ना भइल। खेत हमनी के डूब जाला लेकिन आज ले केहू के घर में एक बूंद पानी नहीं खे घुसल, ई इतिहास रहल बा। अभी हम खाकी बाबा के कुटी पर बानी जौन की नरहन ग्राम के दक्षिण छोर पर बसल बा, और ई कुटी जौन बा ई जौन मंदिर बाटे श्री राम जानकी मंदिर हटे, और ई मंदिर काफी पुराना ह, काफी पुरातन बा और काफी भव्य और विशाल बा। नरहन से जुड़ल जे भी लोग बा, चाहे नरहन में जे भी बाहर से आवेला, ए मंदिर के जरूर जानेला, ए मंदिर में आके दर्शन करेला। और ए मंदिर के अभी जो महंत बानी रामाकांत दास जी हमनी के साथे बानी। बाबा रउआ से हम जाने के चाहते नहीं मंदिर के बारे में कि कब ई मंदिर बनल, कैसे बनल, के बनावल। खाकी बाबा के मंदिर ह जी, जौन बा तौन 200 बरिस करीब हो गई, राम जानकी मंदिर ह, और वहाँ का नाम राम स्वरूप दास जी रहे जी, और वहाँ के चेला सीताराम दास जी रहनी। ओकरा बाद वहाँ के बाद हम रमाकांत दास जी चेला बानी जी, जौन पुजारी महंत दोनों बानी, वहों के पुजारी महंत दोनों रहनी जी, और ये परंपरा से चल रहल बा ई संस्था। ये बहुत पुराना मंदिर है, अभी राम जानकी के मूर्ति बा जौन बहुत बिस्कीमती मूर्ति बा, अष्टधात के मूर्ति टोटल बा, जौन सब परिवार सहित राम जानकी वहाँ के बानी, राम जानकी, राधा कृष्ण, बजरंग बली, शंकर भगवान सभी लोग बा। ई मंदिर के इतिहास रहल, ई मंदिर के बारे में जानकारी रहल जौन की हमनी के महंत जी रमाकांत दास जी बतैनी ह। अब रउआ के मंदिर के अंदर लेके चलतनी हम, मंदिर के दर्शन करावतनी। रउआ के बता दी कि हाँ जब कृष्ण अष्टमी आवेला तो कृष्णाष्टमी के बाद झूलन के आयोजन होला। ई झूलन यहाँ बनावल बा जौन की भगवान कृष्ण के झूला झूलावल जाला, और झूला झूलावे के जौन परंपरा बाटे वो परंपरा के निर्वहन यहाँ पे कइल जाला। बाबा बानी यहाँ पर महंत जी, यहाँ के झूलन झूलावेनी, और ओकरा बाद 14 जनवरी के यहाँ अष्टजाम के शुरुआत होला, अष्टजाम होला 14 जनवरी के, 15 जनवरी के वो संपन्न होला। ई झूला बाटे जौन की हर साल सजेला, गाँव भर घूमेला, गाँव भर के लोग सहयोग करेला, आस्था रखेला, इमें आवेला, इमें भाग लेला, आज झूलन गवाला, झूलन संपन्न होला। झूलन के वो अलगे भव्यता बा ऐजा के, चूंकि आसपास के गांवन में झूलन ना होला, इहे वो गांव बा जहाँ झूलन होला। रेवड़ा देख रहल बानी अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकल बानी, मंदिर में आ चुकल बानी, झूलन देखनी। ओकरा बाद देखी यहाँ राम जानकी के सपरिवार, राम जानकी चारों भाई, राधा कृष्ण की यहाँ पर मूर्ति विराजमान बा जौन की अष्टधातु के मूर्ति है, ये काफ़ी बेशकीमती बा, और सुरक्षा के पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रखल बा ताकि ये पर केहू के गलत नज़र ना जाओ। यहाँ के गांव के लोग पूरा ये मंदिर के सुरक्षा करेला, पूरा ध्यान रखेला, यहाँ पर दर्शन करा रहल बनी रउआ के। साथ ही रउआ जब बगल में आए राम जानकी सपरिवार राधा कृष्ण के दर्शन कैला के बाद, तो यहाँ हनुमान जी के मूर्ति स्थापित बा जहाँ पर हुआ हनुमान जी के दर्शन करेनी, और पूरा गांव के लोग यहाँ आवेला दर्शन करेला। और सबसे खास बात ये बा कि जब लोग नदी नहाए जाला और नदी से नहा के लौटेला तो रस्ते में ही मंदिर पड़ेला, तो यहाँ पूजा करके तबे लोग अपना घरे अपना घर के तरफ प्रस्थान करेला। बाबा से हम जाने के चाहें कि ये मंदिर के व्यवस्था चल रहा बा, तो मंदिर में जैसे एगो झूलन यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हटे, रुआ जन्माष्टमी के कार्यक्रम काफी भव्य होला, उकरा अलावा मंदिर में और का का आयोजित कर जला। रामनवमी होला जो राम जी के जन्म मनावल जला, छठियार होला रामनवमी जी जी,
जन्माष्टमी होला जौन कृष्ण भगवान के जन्म मनावल जाला जी जी छठियार होला जी ओकरा बाद झूलन होला संक्रांति के अठजाम होला जी 24 घंटा के जौन अठजाम होला भंडारा होला जी ओकरा बाद अतिथि सत्कार होला। बाबा एक चीज और जाने के चाहता नहीं, जैसे मंदिर के जहाँ तक हमने के जान दें जा कि मंदिर के व्यवस्था काफी बढ़िया बाटे, मंदिर में जमीन भी अच्छा खासा बा कि यहाँ के भरण पोषण हो जाओ, लेकिन ओकरा अलावा मंदिर के अलावा गांव के लोग के सहयोग कैसन रहेला? सहयोग बढ़िया रहेला, जौन कॉल जला तौन सहयोग होला, गांव के पूरा सहयोग रहेला। यहाँ मंदिर के बाहर जैसे हमने के बचपन में देखले बन जा कि एगो लाइब्रेरी रहे, एगो यात्री पड़ाव रहे यहाँ पर जो की मंदिर के व्यवस्था रहे, वो टूट गई, तो ओकरा बारे में बताएं कि उमे कैसन रहे, चूंकि रउआ देखले ओके हमनी के बहुत बढ़िया से नखीजा देखले। लाइब्रेरी रहे ओकरा बाद जौन पुराना जौन संस्था से लाइब्रेरी सरकारी से बनल रहे, जौन मंदिर के जमीन दू कट्ठा रजिस्टरी कैल रहे बिहार सरकार के जी जी, ओकरा मंदिर के ओर से बनल रहे जमीन दहला के वजह से बाद में जौन बात टूटी गई, टूट गईला से मंदिर सक्षम ना होके पावल, सक्षम ना होके पावल से लाइब्रेरी ना बनल, गांव के लोग इथिन ध्यान ना देवे पहले, ऐसे लाइब्रेरी खत्म हो गई। बाबा रउआ से जाने चाहता नहीं कि जैसे रउआ यहाँ बानी, रउआ सीताराम जी के चेला बानी रउआ, तो रउआ कब से यहाँ से बानी? यहाँ बानी यहाँ हम 13 वर्ष के अवस्था से बानी, जौन ये गाँव में हम बचपन से सियान भइल बानी जी जी, और हम महाराज जी हमरा के ले आयल बनी सीताराम बाबा, और यहाँ वहाँ के सुप्रीत कैले बनी, वहाँ के महंत घोषित कैले बनी, पुजारी को घोषित कैले बनी। उत्तर प्रदेश में हमार जन्मभूमि है, अच्छा, जौन शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगर बलिया का जन्मभूमि हमारा, हम ब्राह्मण परिवार के लड़का हैं और बचपन से ही यहाँ जी। तो रउआ अपना बात भी केहू ने केहू के उत्तराधिकारी जरूर घोषित के लोग अभी तक केहू ने खे मिले, लेकिन ओकरा तरफ ध्यान देवे के चाहिए कि चूंकि रउआ देव दोसर केहू दी ना, तो अभी तक तो जी उत्तराधिकारी नहीं कह के जी, बाकी कोशिश में बाड़ी जी 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 जी, बड़े उत्तराधिकारी हो खो जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। वैसे रउआ जब मंदिर में आवे नहीं तो देखिए यही जुन पतला गली टाइप के दिखता है, गली ना है ये, बल्कि मंदिर के परिक्रमा करे खातिर एक बनावल गई बा, थोड़ा सा पतला बा, इसमें रोशनी कम बा, लेकिन फिर भी लोग इसमें दर्शन करेला और पूजा कैला के बाद परिक्रमा करेला, और परिक्रमा पूरा गांव भर के लोग करेला, जे बाइली बाहर के लोग आवेला, दूसरा जगह के लोग आवेला, वो भी करेला, माथा टेकेला। चूंकि हमनी के हिंदू सनातन धर्म में अगर बात कर जाओ तो परिक्रमा के बड़ा महत्व बाटे, जब भी कोनो पूजा अर्चना कर जाला, जब भी कोनो मंदिर में जाई जाला, अनुष्ठान के बाद परिक्रमा जरूर कर जाला। अभी खाकी बाबा के कुटी के ही कैंपस में ये शंकर जी के मंदिर बाटे, जौना में हर सुख सोमार के लोग पूजा करे आवेला, अभी एगो महिला पूजा कर रहल बानी, में शंकर जी के लिंग स्थापित कर गई बा, जौना में लोग पूजा पाठ करेला, शंकर जी के लिंग है। अब यही जाए ही मंदिर के कैंपस में रामेश्वर ब्रह्म के स्थान हटे, रामेश्वर बाबा हैं यहाँ के स्थान स्थापित बैल बा यहाँ पर, और यहाँ के समाधि हटे, और ये मंदिर के निर्माण नगीना सिंह जी के परिवार के तरफ से कराओल गिल बा। अब बढ़त नहीं आगे, हर गांव में रुआ जाएं तो काली माई के मंदिर देखे के मिलेला। अब हमनी के काली माई के स्थान पर पहुंचल बानी जा, ये नीम के पेड़ है, एकरा पहले बहुत बड़हन नीम के पेड़ रहे, हालांकि वो पेड़ कट गईल, ओकरा बाद ये छोट पेड़ अब हमरा लगा था कि 7-8 साल भइल तैयार होता। ये पूरा कैंपस बाटे, आई दुगो में बैठे वाला बनावल गेल बा ताकि पूजा पाठ जब होला तो लोग बैठी, वैसे भी ये जौन काली माई के स्थान बना एकरा चारों बगल खाली खेत बा, तो लोग खेती करके आवेला, खेत में से आवेला, हरल थाकल तो यहाँ बैठ के थोड़ा आराम करेला, सुस्ताला, छाँव के अच्छा व्यवस्था बा, नलका लागल बा, यहाँ 4-4 गो नल बाटे, एकदम ठंडा पानी पिएला, आराम करेला। ये पूरा काली माई के कैंपस है जौन की रुआ देखी कितना साफ बाटे, काली माई के मंदिर भी कितना सुंदर बाटे, पूरा टाइल्स मार्बल लगल,
सुंदर सुसज्जित मंदिर जौन बा इरवा आँखी के सोझा बा। चली मंदिर में अंदर ले चलता नी, है देखी माई के स्थान बाटे। ये माई के यहाँ पर सात गो देवी के सात गो मुड़ी बनावल बा। एकरा बाद हमनी के आगे बढ़ते हैं जा तो बालकृष्ण ब्रह्म के स्थान हटे। एजा नरहन में दू गो बालकृष्ण बाबा बानी। तो ये गो बालकृष्ण बाबा हई जौन की नगीना सिंह जी के परिवार के ही अंतर्गत आवेनी। वहां के परिवार के लोग यहाँ पूजा पाठ करेला, यहाँ के देखरेख करेला, दर्शन करी। एजा से आगे बढ़ल जाओ तो एगो और यही बाबा बालकृष्ण ब्रह्म के मंदिर बाटे जौन की सामूहिक मंदिर है। पूरा गांव के लोग यहाँ पूजा करेला। और जब काली माई के पूजा होला और जब खपड़ उठेला तो यही जैसे शुरुआत होला। ये मंदिर के निर्माण रविन्द्र मिश्र जी के द्वारा करावल बा जौन की नरहन के रह वाला हई और रघुनाथपुर में बसल बानी। हई जौन मंदिर बाटे ये ठाकुर बारी है। ये मंदिर कहल जाला कि बहुरिया के बनवावल हटे। बहुरिया एक तरह से रजवाड़ा रहे, एगो घर उमे एगो कन्या रहनी, वहाँ के बहुरिया कहल जाओ। वहाँ के ही राजा के गद्दी पर स्थापित रहनी तो वहाँ के द्वारा ही बनवावल मंदिर हटे। बगल में एगो छोट मंदिर के निर्माण बाद में भइल। ई जौन मंदिर बा एहू में अष्टधातु के मूर्ति स्थापित बाटे। ए मंदिर के पास भी काफी अच्छा स्पेस बाटे, कैंपस बाटे, देखी दोनों बगल। अब आ जाई ई रामजी साधु के कुटी है। रउआ सुनले ओखेम कि नरहन में एक समय में सवा बरिस के अष्टजाम भई रहा। 1962 में 15 महीना तक लगातार राम नाम के जाप भई रहे, हरे राम हरे कृष्ण के जाप भई रहे। और उ जाप करे खातिर लोग रखल गए रहे। ई पूरा देखिए जो जमीन दिखाओ तेनू, ई पूरा जमीन यही स्थान के हटे। ये पूरा बनल बाटे खूबसूरत, एकदम देखी कितना खूबसूरत लगता। एक निर्माण हालांकि हाल फिलहाल भइल और एजा हर साल लंगटुआ भोज के आयोजन होला। हई देखी यही शिलालेख जौन लागल बा, ई लागल बा 1962 में जौन यज्ञ भई रहे वही बेरा के लगावल बाटे। ये शिलालेख रखल बाटे, तो रउ अगर यहाँ आयम तो आके पर पढ़ सकतनी। अब हम बढ़त नहीं आगे। ई पीर बाबा के स्थान है। यहाँ खाली हिंदू लोग ही नहीं खे, यहाँ मुस्लिम लोग भी बालो। मुस्लिम भाई लोग के ई पीर बाबा के स्थान है जौन की नरहन गांव के पूरब छोर पर हरपुर के कोन पर स्थापित बा। ई पीर बाबा के स्थान जौन अभी निर्माण हो रहा बा। हई हटे मस्जिद नरहन के, मदरसा मस्जिद दोनों कर सकतनी। एमे बच्चा पढ़े ला सा, हालांकि सरकारी सहायता प्राप्त नहीं खे, ई पूरा तरह से प्राइवेट बा। ई मस्जिद ही है लेकिन एमे बच्चा सन के पढ़ावल भी जाला। ई पूरा नरहन में एगो मस्जिद बा। चूंकि यहाँ मुस्लिम भाई लोग की संख्या बहुत कम बटे, मात्र 10 से 12 घर यहाँ मुस्लिम ही लो बालो, लेकिन एहू में देखी कितना बड़ा कैंपस बा। यही में तजिया रखे के जौन चौकी होला उबा। ई कबरगाह जहाँ जब इंतकाल हो जाला तो ओकरा बाद दफनावल जाला, तो ई ऑफिशियल कबरगाह है। एकरा बारे में इतिहास ई बा कि यहाँ पर एक समय में शीश महल रहे। जब नरहन में नवाब के राज चलत रहे तो नवाब के बनावल यहाँ शीश महल रहे जौना में दरौली लोग के। हालांकि सुन ले बानी जा, हमनी के अगर कोनो प्रमाण नहीं खींचा देख ले, सुन ले बानी तो हम बतैनी हो। अब एकरा बगल में ही एही जा है छठी माई के स्थान बा। रुआ देख ले हो कि हम कई गांवन में होला कि टुकी टुकी में कुछ लोग होला, लेकिन ई ऐसा गांव बा जहां पूरा गांव के छठ एक जगह बा। वो हरेक जाति के यही जा बा। हई श्रीनाथ जी महाराज वॉलीबॉल ग्राउंड है, नाथ जी के मठिया के जस्ट बगल में बा, जहां पर हर साल जनवरी में महाराणा प्रताप के पुण्यतिथि के अवसर पर वॉलीबॉल मैच के आयोजन होला। यही वॉलीबॉल के पूरा ग्राउंड है, देखी कोर्ट बनल बाटे। और ब्याह शादी में यहां पर बारात भी टिकेला, उन्हें सामने स्टेज भी रुआ दिखत हुई। ये नरहन ग्राम के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहाँ से हम पढ़ल बानी। और नरहन के जे भी सरकारी स्कूल में पढ़ल बा यही स्कूल से पढ़ के आगे गई बा। पहले जब हमनी के पढ़त रह जा तो बरा मात्र 4 गो रूम रहे जौन पक्का रहे और 3 गो खपड़ैल रहे। ओकरा के बढ़ा के आज देखी बिल्डिंग दुताला हो गई बा। बिल्डिंग के कोनो कमी नहीं खे, लइका सन के भी कमी कोनो नहीं खे। यहाँ पर है सामने जौन दिख रहा बा एगो ई दुर्गा जी के पंडाल है और दूसरा स्टेज है।
दुर्गा जी यही जा रखल जाली नरहन के जुलूस और नरहन के दुर्गा पूजा के बारे में रुआ जानत हो कब ई जोन पंडाल रूपी दिख रहा बा पंडाल हो बगल में स्टेज है जहाँ नाटक वगैरह होला ये पूरा स्कूल कैंपस हो ई जोन रुआ दिख रहा बा ई अबागनी हम नरहन घाट पर जब रुआ आए तो रुआ जानता नहीं कि नरहन घाट पर अंतिम संस्कार भी होला लगभग 500 गांव के लोग यहाँ आकर के अपना घर के केहू भी गुजर जाला तो कर अंतिम संस्कार करेला तो ई रुआ घाट जन दिख रहा बा रुआ लकड़ी जलावन दिखत हुई राख दिखत हुई ई जन दिख रहा बा तौन अंतिम संस्कार के ही बचल लकड़ी हो एकरा के यही से मुक्ति धाम कहल जाला नरहन घाट के मुक्ति धाम कहल जाला यहाँ पर लोग लिया के और अंतिम संस्कार करेला मछली के कहीं बात होला तो लोग कहेला कि नरहन के मछली देखी यहाँ पर लगभग 50 गो परिवार बा जन के एजा मछली मार के आ जिए ला खाला यहाँ पर रुआ देख रहल बानी कि सामने मछुआरा के नाव जा रहल बा इलो ये नदी से मछली मारे ला लो और दिन में दो टाइम सुबह में एक बार और एक बार 3 बजे दो बार मछली निकलेला और पूरा इलाका में यहाँ के जिंदा मछली के बिक्री होला और आज अगर जिंदा मछली के बात कही आओ तो जिंदा मछली 250 से 300 रुपये किलो बिकेला और एक एक जना 10-10, 15-15 किलो मछली मारे ला लो और अपन रोजगार आ जीवन यापन करे ला लो। अब हम बानी नरहन के सरयू नदी के घाट पर ये सरयू नदी के घाट है जना के मुक्ति धाम भी कहल जाला यहाँ पर रौरा के बता दी कि यहाँ पर हर स्नान के हर पूर्णिमा के हर पर्व तीज त्यौहार के स्नान लागेला पूरा इलाका के लोग यहाँ स्नान करे आवेला साथ में मुक्ति धाम के नाम से भी जानल जाला यहाँ आसपास के सैकड़न गांवन के लोग जब गुजर जाला जब मर जाला तो कर अंतिम संस्कार करे खातिर यही घाट पर ले आवल जाला और ये घाट देश जब गुलाम रहे तब भी ये घाट पर नाव चलत रहे आज भी नाव चलेला इतिहास के अगर हमनी के बात कर जाओ तो उजुके बाबरी जोन अकबर के किताब बाटे उमें ये घाट के जिक्र बाटे कि घाट से यही घाट से अकबर के काफिला एक बार गुजरल रहे ऐसा उल्लेख मिलेला लोग कहेला लोग ई दंत कथा है लोग कहेला कि राम जी भी सरयू नदी जब पार कैले रहनी तो यहीं आस पास से कहीं से पार कैले रहनी हालांकि एकर कोनो प्रमाण नहीं खे ई दंत कथा है लोग कहेला जोन कि हमनी के अपना पूर्वज से अपना बुजुर्ग लोग से सुनत आओ तंजा कि ऐसा बात बा पार भइल बा तो सरयू जी के नदी है एकर लंबाई के अगर बात कर जाओ चौड़ाई के बात कर जाओ तो सरयू नदी आगे जाके गंगा नदी में जब रुआ छपरा पार करें तो छपरा के बाद संगम में जाके गंगा नदी में मिल जाले लेकिन अगर एक चौड़ाई के बात कर जाओ तो नरहन में अगर चौड़ाई के बात कर जाओ अभी जब हम खड़ा बनी तो इन नदी के ही पोर्शन है इन नदी ही है भले खेत बाटे अभी पानी सूखल बाटे अभी बाढ़ के सीजन नहीं खे लेकिन जब बाढ़ आवेला तो लगभग 12 से 13 किलोमीटर चौड़ाई पार्ट हो जाला अभी कम बाटे अभी पानी सूखल बा तो कम बाटे तो ये नदी के बारे में जानकारी रल ए नदी में हमेशा लोग स्नान करे खातिर आवेला अंतिम संस्कार करे खातिर आवेला साथ ही ए नदी के तट पर हमनी के अपना होश में देखले बनी जा साथ ही ए नदी के तट पर हम लोग के बता दी कि साल में 3 गो मेला लागेला कार्तिक पूर्णिमा के स्नान होके चाहे मकर संक्रांति के स्नान होके और चाहे मौनी अमस्या के स्नान होके तीनों मेला के यहाँ मेला लागेला स्नान करे खातिर लाखन लोग यहाँ पर उपस्थित होला साथ में हमरा होश में जब हम लड़का रहनी तब से लेकर अभी तक 2 गो यज्ञ यहाँ संपन्न भइल बा एगो यज्ञ 2009 में भइल रहे और एगो यज्ञ अभी हाल फिलहाल में 2 महीना पहले संपन्न भइल ओ यज्ञ स्थल पर ही हम खड़ा बानी पहला जन यज्ञ भइल रहे 2009 में तो काफी विशाल भइल रहे जन पंडाल बन रहे उ 9 मंजिला बन रहे वो पंडाल के बारे में रुआ के बता दी कि 9 मंजिला पंडाल रहे और अभी रुआ देखी अभी जोन यज्ञ बीतल है तोना के पंडाल रुआ सामने बाटे पिछला जोन यज्ञ भई रहे वो यज्ञ में हवन कुंड बन रही सा जोन 64 गो आ प्रत्येक हवन कुंड पर जोड़ा पति पत्नी के बैठे के रहे आ 5-5 गो 10-10 गो जोड़ा एगो हवन कुंड पर बैठे रहे काफी विशाल यज्ञ रहे 9 दिन के यज्ञ रहे इहो 7 दिन के यज्ञ रहे पिछला यज्ञ जोन रहे 2009 में ओकर यज्ञ के जब शुरुआत भइल तो गुरु पूर्णिमा से शुरुआत भइल ओकर
ओकरा बाद से 3 महीना लगातार सीताराम के जप भइल। 3 महीना जब खत्म भइल तो ओकरा बाद 9 दिन के यज्ञ भइल रहे। एकरा पहले भी रोके बता दी, नरहन के इतिहास के अगर हमनी के बात कइल जाओ तो 1962 में यहाँ सवा बरिस के अष्टजाम के आयोजन भइल रहे। ओबरा के जितना बड़ बड़ संत महात्मा रहले जन की आसपास के इलाका के रहले, उस सब के हुए जा आई रहे। वो सवा साल चले वाला अष्टजाम में भाग ले रहे। हालांकि सवा साल के अष्टजाम करे से पहले एगो जैसे क्रिकेट मैच हमने के खेले जाए तो एगो प्रैक्टिस मैच खेले जा, वही तरह सवा साल की जौन अष्टजाम रहे ओकरा करे खातिर 1.5 महीना के भी अष्टजाम भइ रहे। ओकरा के प्रैक्टिस के रूप में 1.5 महीना के पहले कइल गई। जब 1.5 महीना के अष्टजाम संपन्न भइल तब जाके 1.25 बरिस के अष्टजाम भइल, जौन की आज तक इतिहास बा कि यहाँ आसपास के 2-4-10 गो जिला में अभी ले हमनी के नहीं जा सुनले कहीं कि 1.25 बरिस तक लगातार अष्टजाम भइल होके। 1.25 बरी के अष्टजाम करे में हमरा गांव के जो बूढ़ बुजुर्ग बा उ लोग बतावे लालो कि लोग पेमेंट पर रखल गए रहे, लोग तनख्वाह पर रहे। पंडित जी रहे उहो तनख्वाह पर रहनी लो, गावे वाला जो रहे उहो लोग तनख्वाह पर रहे लो, और बहुत सारा सुख सुविधा देहल जाओ जे भी वहाँ आवे। और साधु महात्मा के तो कहीं मत, यहाँ तक हमरा मालूम बा कि दियारहवा बाबा तक ले के आगमन भइ रहे, और दियारहवा बाबा के जे दियर क्षेत्र से संपर्क रखे वाला लोग बा, जे भोजपुरिया क्षेत्र से संपर्क रखे वाला लोग बा, उ लोग दियारहवा बाबा के बारे में जरूर जानत हुई कि वहाँ के कितना उच्च कोटि के और कितना बढ़न विद्वान और बढ़न संत रहनी। तो इतिहास रहल बा एह गाँव के एह माटी के। तो वीडियो देखनी रहुआ, उम्मीद करतनी कि वीडियो अच्छा लागल होके, नरहन गांव के बारे में जान के अच्छा लागल होके। ई सजलौका के बेरा बा और ई नाव पर बैठ के वीडियो बनल बा। ई सूर्यास्त हो रहल बा, देखी कितना खूबसूरत नजारा बाटे ए नदी के। ई नरहन गांव के ही सरयू नदी है, यही पर नाव पर बैठ के वीडियो बनल बा। तो चली नरहन के बारे में जननी, नरहन के पूरा देखनी। उम्मीद करतनी कि अच्छा लागल होई। अच्छा लागल होई तो लाइक कमेंट कर देम, और ना लागल होई तो कोनो बात ना, नरहन के जान तो गई नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली, लाइक करी, कमेंट करी, आ शेयर जरूर करी।